राम राम जी सभी दोस्तों को, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं फरीदाबाद हरियाणा के बारे में, फरीदाबाद ज़िला। इसके बारे में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो नज़र डालते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर जो आपको नोट्स के रूप में यहाँ पर मिलने वाले हैं। हरियाणा एग्ज़ाम लर्निंग पीडीएफ ने आपके लिए ये पीडीएफ पेश किए हैं। इसमें आप अच्छे से अपनी स्टडी को ग्रो कर सकते हो। फरीदाबाद के बारे में कुछ बेसिक बता देता हूँ। सन 1950 में भारतीय विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए एक बड़ा सा समूह है यहाँ आकर बस गया। उनके पुनर्वास के लिए उद्योग स्थापित किए गए थे यहाँ पे। बाद में विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों, धर्म के लोगों को फरीदाबाद में आकर बस गए। प्रारंभ में यह गुड़गांव जिले का हिस्सा था। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को एक अलग ज़िले के रूप में स्थापित कर दिया गया था। तो इस नोट्स में आप देख सकते हो कि इन फरीदाबाद से जुड़ी अन्य जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में, यहाँ अलग अलग, जैसे आपने सुना होगा कि फरीदाबाद की जो बड़खड़ झील है वो बहुत ही खूबसूरत है। यह एक मानव निर्मित झील है। इसके पास अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन आंसर भी इसमें देखने को मिलेंगे। फरीदाबाद का स्टेडियम हो गया, फरीदाबाद के मेले हो गए, इसका इतिहास क्या है, शुरुआत से इसका इतिहास है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप इसी तरह अपनी स्टडी को अच्छे से प्रिपेयर करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप अपना सिलेबस है वो कवर करते जाएं, तो आप इन पीडीएफ पर अच्छे से स्टडी कर लें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका जो आने वाले एचएसएससी के एग्ज़ाम हैं उनमें आपको अपनी मतलब स्टडी है उसको अच्छे से ग्रो कर पाओगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ चुके हैं, देखिए आपके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं यहाँ पर, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर अपना प्यार दिखाते रहना, इससे हमें हेल्प मिलती है। तो हरियाणा एग्ज़ाम लर्निंग पीडीएफ चैनल को दीजिए इजाज़त। राम राम जी सभी भाइयों को।